हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम सिचिंग। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी कुर्ती की क्लास तो चल रही है, वो भी हमारी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट आपको मेंस का कुर्ता ही मिलने वाला है। सब कुछ हो गया है, सिर्फ उसका फाइनल लुक, उसको पहना के वीडियो बनानी है, सिर्फ वही बाकी है। ओके, तो वो आएंगे ना तब मैं वीडियो शूट करके फिर वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल नहीं तो परसों वो वीडियो मिल जाएगी। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ ना, वो क्या रहेगा कि जिसको सिलाई करने में प्रॉब्लम होती है, कि सिलाई जिससे नहीं होती, तो उसको हम कैसे प्रैक्टिस करें, ये ना ये वीडियो स्पेशल बिगेनर्स के लिए है। तो अभी हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको भी हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी रहेगी तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए सब कुछ रहेगा ना, वो मैं आपको नेक्स्ट बाद में बताती रहूंगी वीडियो में। ओके, तो आज उसी के लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं कि बिगेनर्स को, जो जिसको भी सिलाई में इंटरेस्ट रहेगा तो उसको कंफ्यूजन रहेगा कि मैं फर्स्ट क्या सीखूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, तो वो सब कुछ आज हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट रहेगा कि आपको पहले ये सीखना रहेगा कि मशीन को कैसे चलाना रहता है। ओके, तो अभी हम पहले मशीन को कैसे चलाना है वो देखेंगे। तो मशीन को चलाना है तो उसको चलाने के लिए आपको मशीन में जो सुई रहती है उसको निकाल लेना है। उसके अंदर एक छोटी सी डब्बी लगती है, वो भी आपको निकाल देनी है। मोटर वाला जो मशीन रहता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये वाला जो हमारा मशीन रहता है ना, इसकी बात कर रही हूँ, जो हमारा नॉर्मल मशीन रहता है। तो जब भी हमें सिलाई सीखनी रहती है तो आपको दोनों मशीन आना ही चाहिए, क्योंकि सबके पास वो मशीन नहीं रहता है। सिंपल मशीन भी सब यूज करते हैं, तो हमें तो वो भी चलाना आना चाहिए ना। तो ये मशीन कैसे चलानी है वो सीखना रहेगा। तो आपको, आपके पास मशीन रहेगी तो उसमें से आपको सुई निकाल लेनी है, क्योंकि जो 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 फर्स्ट टाइम मशीन चलाता है ना, तो उससे उसको क्या प्रॉब्लम होती है पता है, कि मशीन ना सीधा चलना चाहिए ना, वो उल्टा घूम जाते है। तो उल्टा घूमने की वजह से इसके अंदर जो शटर रहता है वो हमारा घूम जाता है, और शटर घूमता है तो हमारी मशीन पूरी बिगड़ जाती है। तो हमें कहीं से किसी को बुला के फिर इसे 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ पे करके हमें उसको ठीक करवाना पड़ता है। तो इसके लिए पहले आपको सुई को निकाल के फिर प्रैक्टिस करनी। तो मैं सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि हमें मशीन कैसे चलानी है। ओके, तो पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। अभी देखो यहाँ पे ये हमारी मशीन का ये वाला पार्ट रहेगा। तो देखो मेरे पास जो मशीन है वो हमारा इस टाइप का मशीन है। तो नीचे हम देखेंगे, यहाँ से हमें मशीन चलाना रहता है ना। तो यहाँ पे हमें एक पैर को ऐसे यहाँ पे रखना है और दूसरे पैर को हमें ऐसे आगे की साइड रखना है। देखो ऐसे ऐसे हमें रख देना है, फिर इसको हमें ऐसे ऊपर नीचे करना है। तो देखो ऐसे हमें इसको ऊपर नीचे करना है। इसको हम ऊपर नीचे करेंगे ना तो मशीन, देखो हमारा यहाँ से मशीन चलेगा। ओके, ये हमारा मशीन चलेगा। तो ये जो हमारा मशीन चल रहा है ना, तो ये वाला पार्ट ऐसे पीछे की साइड नहीं जाना चाहिए, ये हमारा ऐसे आगे की साइड ही रहना चाहिए। अभी मैं इसको दूर से दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने इसको ऐसे किया, फिर पैर को देखो मैं नीचे से ऊपर करते जा रही हूँ, ऊपर नीचे करते जा रही हूँ। तो ऐसे ऊपर नीचे करते जा रही हूँ तो मशीन हमारा ऐसे घूम रहा है। ऐसे ही आपको, मैंने यहाँ पे सुई नहीं निकाली है, बट आपको सुई निकाल देनी है। सुई निकाल के ही आपको प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद का टॉपिक क्या रहेगा कि हमें इसमें धागा कैसे डालना है। तो देखो आपको बॉबिन ले लेना है। बॉबिन आपको सब पहले से ही दिखा देती हूँ आपको मैं। यहाँ पे आपको ये वाला बॉबिन डाल देना है, ये यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे, फिर जो हमारा फर्स्ट है ना, फर्स्ट होल है, इसके अंदर हम डालेंगे। देखो समझ में आया, फर्स्ट होल के अंदर डालिए। अब धागे को हम ऐसे यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ के जो भी हमारा ये वाला पार्ट रहता है ना, इसके अंदर हमें धागा डालना है। तो यहाँ से हम इसको बीच में से डालेंगे, इसको हम ऊपर की साइड कर देंगे। तो देखो धागे को हमने यहाँ से ऐसे डाला है, जो भी हमारा ये वाला पार्ट है ना, देखो इसके अंदर हमने ये धागा डाला है। ओके, ये धागा हमने यहाँ से डाल दिया। अब जो भी हमारा ये वाला होल है, देखो इस टाइप का होल है, इसके अंदर हमें धागा डालना है। अब इसके अंदर से हम धागा डालेंगे, फिर यहाँ से ये निकलेगा। अभी जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसके अंदर हम
यहां से ऐसे डालेंगे, तो ये आ गया। अब सुई की हमारी इस साइड रहेगी ना, तो आपको बाहर की साइड से ही धागा डालना है। बाहर की साइड से हमने धागा डाल दिया, ऊपर का कंप्लीट हो गया। अभी नीचे की साइड से हमें इस टाइप के हमारे पास डब्बी रहती है, मशीन के साथ ही आती है। अभी ये यहाँ पे आपको इसके अंदर धागा डाल लेना, डब्बी को अंदर की साइड रखेंगे, ये धागा रहेगा। अब धागे को हम इसके अंदर डालेंगे, फिर यहाँ से लेके ऐसे बाहर निकालेंगे, तो इसको हम खींचेंगे तो बाहर की साइड आता जाएगा। अब इसको हमें यहाँ से इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, देखो ऐसे पकड़ना है, फिर जो भी हमारा ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से अंदर डालना है। देखो यहाँ से साइड से मैं दिखाती हूँ, इसके अंदर यहाँ पे डालना है। देखो ऐसे आवाज आएगा ना, तो वो हमारा सही लगा होगा। इसको आपको ध्यान से लगाना है, अगर इसको बराबर नहीं लगाया रहेगा ना, तो आपका शटर तरत वहीं पे घूम जाएगा। अभी सुई को हम अंदर की साइड रखेंगे, फिर धागे को हम ऐसे बाहर खींचेंगे ऐसे। तो देखो नीचे का धागा हमारा आ गया, दोनों धागा आ जाएगा, उसके बाद हम इसको पीछे की साइड कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, तो प्रेशर फुट को हमें नीचे करना है, पीछे की साइड यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उससे नीचे करना, फिर हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी स्टिच परफेक्ट लग गई। अब आपको कोई भी फैब्रिक ले लेना है, उसको आपको स्क्वायर में कट कर देना है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो आपको मशीन में धागा कैसे लगाना है, सिलाई कैसे लगानी, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो ऐसे आपको वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करते जाना। अब सिलाई लगानी है, तो सिलाई आपको ऐसे ही फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक लेके कहीं पे भी ऐसे सिलाई नहीं लगाते जाना है, आपको प्रॉपर ऐसे स्क्वायर नेक स्क्वायर फैब्रिक कट कर देना है। कॉटन का फैब्रिक लेना है, एक ही फैब्रिक लेना है, कट कर देना है। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है हाफ इंच के गैप पे, तो हाफ इंच के गैप पे आपको यहाँ तक मार्क कर देना है कि हाफ हाफ इंच का गैप रख के लाइन ड्रॉ कर देनी। अब आपको ट्राई करना है कि आपकी जो स्टिच है ना, जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, उसी के ऊपर आपकी स्टिच आनी चाहिए। ओके, उसी के ऊपर आपकी स्टिच आनी चाहिए, आपका ये स्क्वायर पूरा ऐसे भर देना है। तो ऐसे आपको एक में आपको पूरा भर देना है। फिर दूसरा क्या करना है कि आपको यहाँ पे स्टिच लगाते टाइम ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, ऐसे ही आप सिलाई लगाओगे तो ऐसी ही आपकी सीधी सिलाई आएगी, उस बात का ध्यान रखते हुए आपको स्टिच लगानी है। इससे क्या होगा पता है कि जब भी मैं बोलती हूँ ना कि हाफ इंच का गैप रख के नेक पे स्टिच लगा दो, हाफ इंच का गैप रख के साइड फिटिंग कर दो, हाफ इंच का गैप रख के स्लीव्स लगा दो, तब आपको ना दिक्कत नहीं होगी सिलाई लगाने में, क्योंकि आपने ऐसे प्रैक्टिस की होगी। इसको बेसिक क्लास बोलते हैं। बेसिक में ऐसे नॉर्मल ये सारी चीज ये ना लगा सिलाई लगाते टाइम सब स्टूडेंट को बोरिंग लगता है कि ऐसे लगता है कि क्लास वाले सिर्फ ऐसे टाइम पास करवा रहे, क्योंकि वन मंथ की ऐसे फील्स ली हुई रहती है, फिर ये सब करवाने में ऐसे बहुत सारे करवाते हैं ना, तो वो सब में टाइम लगाते थे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आप परफेक्ट करोगे ना तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें परफेक्ट फिनिशिंग के साथ फैब्रिक स्टिच करना है। ऐसे कहीं पे भी स्टिच लगाना है ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ऐसे हमें स्टिच लगा देनी है, एक में आपको लाइन ड्रॉ करके लगाना है सिलाई, फिर दूसरे में आपको बिना लाइन ड्रॉ किए आपका गैप हाफ इंच का ही बचे, उस बात का ध्यान रखते हुए स्टिच लगानी है। एक तो आप स्ट्रेट स्टिच लगाओगे, उसके बाद ऐसे आपको स्क्वायर बना लेना है, स्क्वायर में स्टिच लगाते जाना है। कैसे हमारी स्क्वायर में स्टिच लगेगी, उसका ये स्क्वायर में स्टिच लगाते जाना है। फिर उसके बाद हमें ऐसे त्रिकोण आकार में स्टिच लगानी है, त्रिकोण आकार में ऐसे स्टिच लगानी है, उसके बाद आपको ऐसे राउंड में स्टिच लगानी है। तो इसी तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिस करते जाना है। अब मैं आपको एक एक सिलाई लगा के बता देती हूँ कि आपको बिना लाइन ड्रॉ किए कैसे आप सिलाई लगा सकते हो। राउंड में भी थोड़ा सा आपको राउंड करना है, बाकी का राउंड आपको नहीं करना है, बाकी का आपको प्रेशर फुट को ध्यान में रखते ही राउंड राउंड बनाते जाना है। क्लियर हो गया? सेम इसका भी ऐसे ही करना है, जो भी मैंने दिखाया है वो सबका ऐसे ही करना है। और एक रहेगा जो हमारा लॉक लगाने के लिए रहेगा,
तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट स्टिच लगानी है, बाद में एक लॉक लगा देना है, थोड़ी सी स्टिच लगा के लॉक लगा देना है। ऐसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि लॉक लगाने में भी आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा स्टिच करके आपको समझा देती हूँ। अभी देखो ये हमने स्टिच लगा के हो गया, अब वापस से आपको हाफ इंच का लाइन नहीं ड्रॉ करना है। आपको क्या करना है कि ये हमारा प्रेशर फुट है ना, तो प्रेशर फुट यहाँ पे करेंगे ना तो परफेक्ट हाफ इंच आ जाएगा। तो सिलाई के बाद यहाँ पे कितना गैप है वो आपको ध्यान रखते हुए नीचे तक स्टिच लगाना है। अभी देखो मैं स्टिच लगाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, बट मैं क्या ध्यान रख रही हूँ कि यहाँ पे ये हमारा कितना है, ये गैप कितना है, तो यही गैप के अकॉर्डिंग हम आगे आगे सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने कोई भी मार्किंग नहीं किया, फिर भी देखो जितना यहाँ पे गैप है उतना ही हमारा यहाँ पे गैप रहेगा। तो ऐसे ही आपको सिलाई लगा देनी है। अभी आपको क्लियर हो गया कि बिना लाइन ड्रॉ किए हमें कैसे स्टिच लगानी है। स्क्वायर नेक में स्क्वायर जो ड्रॉ किया था उसको भी ऐसे ही करना है, प्रेशर फुट को ऊपर करके कपड़े को ऐसे घुमा के फिर सीधी लाइन बनानी है, फिर वापस से ऐसे करके स्क्वायर स्क्वायर बनाते जाना है। तो इसी तरीके से आपको जिसको भी मशीन चलानी नहीं आती, सिलाई लगाना नहीं आता, वो इस तरीके से प्रैक्टिस करके अपनी सिलाई ठीक से लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा मेंस का कुर्ता रहेगा।